सिक्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स ऑफ डेफिनेशन पढ़ेंगे सिक्स चैप्टर की। देखो इनमें क्या क्या यूज होगा। फर्स्ट, सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल हमारा वो एंगल होता है जो 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में हो, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा। जैसे मान लेते हैं एक्स एक एक्यूट एंगल है, तो वो क्या होगा? हमेशा लेस देन 90 डिग्री, और ग्रेटर देन क्या होगा? 0 डिग्री। 0 से बड़ा होगा और 90 से हमेशा क्या होगा? छोटा। तो ये होता हमारा एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं, जब x इज इक्वल टू क्या आ जाए? 90 डिग्री। जो 90 डिग्री का वो क्या होता है? राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 और 180 के बीच में आए उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 से तो बड़ी और 180 से छोटी। जो 90 और 180 के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? हम ऑब्ट्यूज एंगल। अब एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो बिल्कुल सीधी लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये कितने का बनेगा? 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। जब x की वैल्यू क्या आ जाए? 180 डिग्री, तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। एक रिफ्लेक्स एंगल होता है हमारा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है वो देखो। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 और 360 के बीच में होगा। जैसे x है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 360 से छोटी और 180 से क्या आ जाएगा? ये बड़ा। हमें किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो हम कैसे निकाल लेंगे? उसको 360 में से क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। जैसे देखो हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, ये दे रखा। इस एंगल का हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। जैसे मान लो ये एंगल है हमारा 50 डिग्री। अगर हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे? रिफ्लेक्स का मतलब इससे अलावा जो बाकी इधर वाला एंगल बच गया ना वो। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा 50 डिग्री का? 360 में से 50 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा इसका रिफ्लेक्स एंगल। तो जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो किस किस के बीच में होगा? 180 और 360 के बीच में। अब देखो एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्या आ जाएगा? व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जब दो एंगल्स का सम किसके इक्वल हो? 90 डिग्री के इक्वल। जैसे एक एंगल x हो हमारा, दूसरा वाई हो, तो दोनों का सम किसके इक्वल आएगा? 90 डिग्री के इक्वल। अब सप्लीमेंट्री एंगल करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जब दो एंगल्स का सम कितना हो? 180 डिग्री, तो उनको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। वैन, इसमें क्या आ जाएगा? वैन सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। जब दो एंगल का सम 180 हो तो उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें क्या आ जाएगा? एक्स और वाई दो एंगल हो हमारे पास, तो उन दोनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स देखो उन किनको बोलते हैं हम? जो साथ साथ वाले एंगल होते हैं जिनका, जैसे मान लो एक सेम वर्टेक्स हो और कोई ना कोई सेम उनका क्या हो? लाइन हो। देखो जैसे ये वर्टेक्स मान लिया हमने, इस वर्टेक्स से हम दो लाइंस ड्रा करते हैं। ये दो लाइन ड्रा की हमने, ठीक है, ये वाला एंगल है एक ये बाहर वाला एंगल है। तो ये दोनों एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे ही हम टू लाइन थ्री लाइंस भी ड्रा कर सकते हैं। देखो एक ये वर्टेक्स लिया हमने, ये लाइन ड्रा की एक, इस लाइन को हम ड्रा करें, एक इधर लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे देखो इसको हम O पॉइंट मान लें, पी क्यू आर। तो O पी ओ क्यू, ये वाला जो एंगल है पी ओ क्यू आर ओ क्यू, जो ये एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होंगे? हमारे एडजेसेंट एंगल्स। क्योंकि देखो दोनों का एक कॉमन पॉइंट है, सेम वर्टेक्स से दोनों एंगल बन रहे हैं। ये वर्टेक्स से बन रहा है देखो ओ पी और ओ क्यू, ये एंगल बन रहा है ओ आर और OQ लाइन से, और दोनों में एक कॉमन लाइन भी है। OQ लाइन जो है दोनों एंगल्स में क्या है? कॉमन। तो ये जो एंगल होंगे, मतलब जो साथ वाले एंगल होते हैं ना, साथ लगते एंगल, उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। देखो अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? जब हमारी स्ट्रेट लाइन के ऊपर
पूरा जो एंगल बनता है, ये जो स्ट्रेट लाइन हमारा, ये जो एंगल बनता है 180 डिग्री, इस 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है, जब एक्स की वैल्यू क्या आ जाए 180 डिग्री, ठीक है, इसको स्ट्रेट एंगल भी बोल देते हैं, इसको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी बोल देते हैं। लीनियर पेयर में हमेशा क्या होता है, दो एंगल्स, जैसे हम यहाँ से लाइन ड्रा करें तो ये वाला आ जाएगा, पूरा जो एंगल होगा ये 180 का है, इन दोनों का सम भी हम ले सकते हैं, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो दो एंगल्स का सम 180 हो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर पेयर, और पूरा एंगल 180 हो उसको भी हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। दो लीनियर पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जब दोनों एंगल का सम क्या हो 180 डिग्री। तो जैसे यहाँ पे क्या ले लेते हैं, वाई प्लस एक्स, जब दो एंगल का सम क्या आ जाए 180 डिग्री, इनको सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते थे, इनको लीनियर पेयर भी बोल देते हैं। तो लीनियर पेयर में क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बनता है वो क्या होता है 180 डिग्री का। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब दो एंगल्स, जैसे दो लाइन्स हैं, एक लाइन हम ये लेते हैं, एक लाइन ये, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो दो लाइन एक दूसरे को काटें एक पॉइंट पे, तो जो सामने वाले एंगल होते हैं, जैसे ये एंगल और ये वाला एंगल, ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे इनको नाम दे देते हैं हम पी क्यू आर एस, ये वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको ओ मान लें, तो पी ओ एस जो एंगल है, एंगल पी ओ एस किसके इक्वल होगा, आर ओ क्यू के, एंगल आर ओ क्यू, ये दोनों कौन से एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे ये वाले एंगल भी वर्टिकली अपोजिट हैं, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन कौन से एंगल, जैसे पी ओ, पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू, ये दोनों भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, कौन से होते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो सामने वाले जो एंगल होते हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इंटरसेक्टिंग लाइन्स करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं, जो लाइन्स एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को जरूर से जरूर किसी न किसी एक पॉइंट पे तो जरूर इंटरसेक्ट करेंगी, उन लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब देखो आगे, देखो हमारे पास दो लाइंस हैं, तीन लाइन है, एक एल लाइन है, एक एम और एन, ये तीन लाइन हमारी एम और एन दो लाइन क्या है, पैरेलल है। तो M जो है वो किसके पैरेलल है, N के, M और N दोनों लाइन पैरेलल हैं, और इनको एक थर्ड लाइन L इंटरसेक्ट करे, तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या होती हैं वो पढ़ेंगे। अब देखो, अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई भी एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो हम इन, जैसे अब इनको एंगल्स मान लेते हैं, इसको फर्स्ट एंगल, ये दो, ये थ्री, ये फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये सारे एंगल्स हमने मान लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्या टर्म्स आते हैं, सबसे पहले हमारे क्या आता है, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल देखो कौन से होते हैं, ये जो एंगल है फर्स्ट एंगल 5 के इक्वल, 1 और 5 दोनों क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो कोरस्पोंडिंग एंगल देखो कौन कौन से होंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, कोरस्पोंडिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये एंगल्स कब बनते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस को कोई भी एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करे, तो 1 किसके इक्वल होगा 5 के, 2 के कोरस्पोंडिंग है 6, तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के, 3 के कोरस्पोंडिंग है एंगल 7, तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के, और एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। अब ऐसे ही हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सारे क्या हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, इंटीरियर का मतलब अंदर। अब अंदर देखो कौन कौन से एंगल हैं, 3, 4, 5 और 6, सिर्फ ये एंगल है अंदर, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक होता है, तो देखो अब 4 का अल्टरनेट कौन सा होगा, 6, तो 4 किसके इक्वल होगा, 6 के, इंटीरियर सिर्फ अंदर वाले एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर 4 और 6 हैं, और तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के, 4 और 6 के हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। ऐसे ही
ये थ्री जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, फाइव के, तो एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फाइव। ये क्या हमारे दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, बाहर वाले देखो ये वन टू सेवन और एट कौन कौन से इक्वल होंगे, वन किसके इक्वल होगा सेवन के, ये क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो वन एंगल होगा किसके इक्वल सेवन के, टू एंगल किसके इक्वल होगा एट के। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या आ जाएगा, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल सेवन और एंगल टू इज इक्वल टू एंगल एट। ये एंगल्स क्या हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या है, जो ये लाइन है ना, ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो लाइन है ये हमारी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये कहता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल है वो। तो देखो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लेते हैं हम, फोर और फाइव इंटीरियर एंगल है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है फोर और फाइव। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो दो एंगल होते हैं उनका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। तो देखो ट्रांसवर्सल लाइन इसके एक तरफ इस साइड और इंटीरियर में 4 और 5 हैं, तो 4 प्लस 5 का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 6 का सम भी कितना होगा 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम भी 180 होता है, एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, 1 और 8 ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ इधर, तो 1 और 8 एक्सटीरियर है, इन दोनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 किसके इक्वल 180 के इक्वल। ऐसे ही एंगल 2 और 7 का सम भी क्या होगा 180, एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री। ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टी जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे।